प्रियंका ने क्यों कर दी मौत की बात? अचानक क्यों मौत की बात करने लगी प्रियंका? आमतौर पर हमेशा मस्त रहने वाली प्रियंका के मुंह से मरने की बातें क्यों निकलने लगी? हमेशा खुश रहने वाली प्रियंका क्यों जीने मरने की बात करने लगी? क्योंकि अब तक तो हमेशा लोगों ने प्रियंका को बिंदास ही देखा है। जब जरूरत थी तो साथ नहीं दिया, अब कहते हैं एटीट्यूड आ गया, तुम पहले जैसे नहीं लगते। मैंने कहा जलो और जलो, जलने के पैसे नहीं लगते। कभी वो यूपी का दम दिखाती रही हैं। हरियाणा पंजाब तो बेकार ही बदनाम है, आओ कभी उत्तर प्रदेश, हमारे यहाँ 5-5 साल के लौंडे कट्टा चलाते हैं। तो कभी रिमझिम बारिश की बूंदें बरसाने की बात करती रही हैं। कि अब तक का सबसे मस्त अंदाज भी सामने आया था, जो हमने आपको इससे पहले के वीडियो में दिखाया भी था। जरा पूछ मैंने बिना देर कैसे ये लम्हा गुजारा। पर अब अचानक मौत की बात कर प्रियंका ने अपने फैंस को चौंका दिया है। बस अब जिंदगी को एक ऐसी पार्टी की तरह जीना चाहती हूँ कि मौत जब आए ना तो साथ बैठकर दो ड्रिंक मारकर जान लेकर चली जाए। इस वीडियो को देखकर प्रियंका के फैन परेशान हो उठे हैं। सवाल है कि प्रियंका मिश्रा क्यों परेशान है? दरअसल तैश में आकर पुलिस की नौकरी तो छोड़ दी, पर अब प्रियंका को इसका पछतावा हो रहा है। अब रिवॉल्वर रानी मिस कर रही है अपनी वर्दी। बस अब जिंदगी को एक ऐसी पार्टी की तरह जीना चाहती हूँ कि मौत जब आए ना तो साथ बैठकर दो ड्रिंक मारकर जान लेकर चली जाए। हालांकि हो सकता है कि प्रियंका ने यह वीडियो यूं ही फन में बना ली हो, पर यह भी सही है कि इससे पहले मौत की बात करता वीडियो कभी भी नहीं बनाया था प्रियंका ने। दरअसल तैश में आकर नौकरी छोड़ने का फैसला तो कर लिया, पर आगे क्या करें ये वो फैसला नहीं कर पा रही हैं। कुछ ऑफर्स भी आए थे पर अब तक कोई बात बनी नहीं है। ऐसे में खाली घर बैठना भला किसे परेशान नहीं करेगा? ये बात प्रियंका अपने हाल में किए इंस्टाग्राम लाइव में भी बोल चुकी हैं। इस लाइव के दौरान भी प्रियंका के मुंह से मौत की बात निकल गई थी। फ्यूचर प्लान के बारे में एक सवाल पूछे जाने पर प्रियंका ने कहा कि कौन जानता है कल क्या होने वाला है। आगे प्रियंका कहती हैं कि क्या पता कल हो ही ना। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका की ये बातें बताती हैं कि वो इन दिनों खुश नहीं है। हालांकि प्रियंका मजबूत हौसले वाली लड़की हैं, इसलिए अपनी परेशानी जल्द दूसरों से शेयर नहीं करती। पर जो लोग अपने दिल का हाल दूसरों से शेयर नहीं करते, वो अंदर ही अंदर और ज्यादा परेशान होते रहते हैं। तो क्या प्रियंका के साथ भी यही हो रहा है? बाहर से मस्त दिखने वाली रिवॉल्वर रानी दरअसल अंदर से परेशान चल रही है। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे अच्छा होगा, इस इरादे के साथ आगे बढ़ना चाहिए, आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। आप फिलहाल इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल बटन दबा दें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ऐसी खास वीडियोस हम खास आपके लिए लगातार लाते रहें। थैंक यू।